हथियारों के साथ इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 315 बोर का देसी कट्टा और 12 बोर की देसी पिस्टल बरामद। भोपाल के अशोका गार्डन पुलिस ने देसी कट्टा और पिस्टल के साथ एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि होटल सिल्वर के सामने रायसेन रोड में एक 10,000 का इनामी फरार आरोपी मौजूद है, जिस पर नगर पुलिस अधीक्षक उमेश तिवारी के मार्गदर्शन में अशोक गार्डन पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। आरोपी युवक ने पूछताछ में अपना नाम शफीक उल उर्फ सप्पू रफीक बताया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का देसी कट्टा और 12 बोर की देसी पिस्टल भी बरामद की है। जो कि सप्पू पिस्टल या सप्पू कट्टे के नाम से फेमस है, इसको इन लोगों ने पकड़ा। उसके ऊपर 10,000 इनाम के बाद जब उससे बातचीत हुई, पूछताछ हुई, तो उसके पास एक कट्टा और उसकी ने सदाई थे 232 बोर की पिस्टलें भी बरामद हुई हैं। 3 अवैध हथियार जब्त किए गए और लूट का आरोपी पकड़ के उसको गिरफ्तार किया गया। अब उसमें आगे का प्रोसेस जारी है कि ये कट्टे कहाँ से लाए, किसको बेचते थे, पिस्टल कहाँ से आई। बहुत अच्छी कंडीशन में है वो, और आगे नए जो पिस्टल या इसके कट्टे के धंधे हैं, नए खुलासा होने से भी इंकार नहीं किया जा सकता। उसमें बातचीत हमारी जारी है। नववर्ष पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सपरिवार उज्जैन पहुंचकर भगवान महाकाल के किए दर्शन। प्रदेश में सुख समृद्धि की गई कामनाएं। प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद नववर्ष पर पहली बार कमलनाथ सपरिवार उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने महाकाल के दर्शन लाभ लेकर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामनाएं की। नरसिंह घाट मार्ग करकराज मंदिर के पास मैदान पर बने अस्थायी हेलीपैड पर निर्धारित समय पर सीएम कमलनाथ का हेलीकॉप्टर उतरा। मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए संभागायुक्त MB ओझा एवं रायजी आकेश गुप्ता सहित कलेक्टर, SP और कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। साल के पहले दिन आया, कामना करिए कि मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास शुरू होए, हर वर्ग के चेहरे में मुस्कराहट होए। मैंने आशीर्वाद मांगा है कि मुझे इसके लिए बल और शक्ति मिले। सर मायावती सर, मायावती सर,